മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദൂർബാറിൽ കാശ്മീരിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുങ്കുമപ്പൂ വളർത്തിയെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി. തണുത്ത ഊഷ്മാവിൽ കുങ്കുമപ്പൂ വളർത്താൻ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹർഷ് പാട്ടീൽ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത കുങ്കുമ കൃഷിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്റേതൊരു കാർഷിക കുടുംബമാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എന്റെ വിദ്യയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കുങ്കുമപ്പൂവിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായതിനാൽ ഞാനത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇസ്രായേലിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഞാൻ അവിടെയുള്ള പ്രൊഫസർമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആശയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിനുള്ള ആകെ ചെലവ് 4.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് എന്നാണ് ഹർഷ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത്. Actually, मैं एक एग्रीकल्चर फार्मिंग से ही बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली से ही. तो मेरे डैड वगैरह बनानास, फ्रूट्स वगैरह, वाटरमेलन्स, कॉटन्स वगैरह का फार्मिंग करते ही है. सो मेरे को कुछ यूनिक करना था और ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए था जिसका डिमांड हाई हो, लाइक डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉपर हो वो. इसलिए मैंने एरोफॉर्मिक तरीके से सैफ्रॉन को चूज किया, क्योंकि सैफ्रॉन का डिमांड बहुत है अपने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी इसका बहुत डिमांड है. और जो अपना कश्मीर का सैफ्रॉन है उसकी वैरायटी मोगरा वैरायटी, वो सभी सैफ्रॉन्स में टॉप लिस्ट में आता है. इसका बहुत डिमांड है फुल वर्ल्ड वाइड में, इसलिए मैंने सैफ्रॉन का ही चूज़ किया. और इसके लिए मैं बहुत टेक्नीशियन से मिला. अभी ग्रो लाइट सनलाइट के लिए ग्रो लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, तो उसके टेक्नीशियन से मिला. फिर जो लोग हाइड्रोफॉर्मिक्स फार्मिंग कर रहे लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, उनसे मिला, उनसे कैसे होता है उसका जानकारी लिया. फिर मेरे मेंटर भी शैलेश सर, उनसे भी मेरे को सैफ्रॉन का आइडिया आया, थोड़ा उनसे मेरे को गाइडेंस मिला. और फिर आर्टिकल्स वगैरह, इसराइल सबसे बड़ा प्रोडक्शन है सैफ्रॉन का, इसराइल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. सो वहाँ के आर्टिकल्स, वहाँ के जो प्रोफेसर से उनके लेक्चर्स वगैरह थोड़े बहुत अटेंड किए, और फिर मुझे आइडिया आया. और पूरा टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन, लास्ट 5 ईयर्स का जो कश्मीर है, कश्मीर में पैम्पोर में जहाँ सैफ्रॉन का फार्मिंग होता है, वहाँ का टेम्परेचर का पूरा डाटा स्टडी किया, और फिर उस हिसाब से मैंने पूरा ये सेटअप किया. और जो टेम्परेचर मेंटेन वगैरह, ह्यूमिडिटी लेवल, और वो प्रॉपर करते गया, और मुझे अच्छा सक्सेस मिला. जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा सक्सेस मुझे मिला है. और ये पूरा कुछ करने में, रूम बनाने में, चिलर, पूरा लेबर कॉस्ट, रैक और सीड्स सबका मुझे अराउंड 4.5 to 5 lakhs का अप्रोक्स खर्चा आया हुआ है. और मेरा अभी तक फर्स्ट सीजन में 250 to 300 grams तक केसर निकल गया है. और अभी आप इसका कीमत केसर का पर ग्राम आप 500 से 700 के बीच में लगा सकते हो, एज पर योर मार्केटिंग स्किल्स एंड द डिमांड ऑफ द सैफ्रॉन. बट डिमांड तो इसका हाई है. सो मैं अभी इसे मेरे पर्सनल पॉइंट से इसे 500 to 700 के रेंज में इसे सेल आउट कर रहा हूँ. और अगर आप ये प्लांट करते हो तो आपका इसका ROI सेकेंड या थर्ड सीजन तक इसका ROI निकल जाएगा, और आपका फिर प्रॉफिट सीजन स्टार्ट हो जाएगा.